नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निजामुद्दीन दिल्ली के कार्यक्रम का कनेक्शन चंबा से निकलने पर प्रशासन अलर्ट। हिमाचल पंजाब के मोहटली बॉर्डर पर रोके 26 लोग, दिल्ली पानीपत से लौट रहे थे घर। बिलासपुर में पुलिस ने बेरहमी से पीटा युवक। पद्धर के एसडीएम की लाजवाब पहल, डॉक्टरों के लिए पीपीई गाउन बनाने का उठाया बीड़ा। चंबा के साहू में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस को भूले लोग। कोरोना से निपटने को ऊना प्रशासन कर रहा बेहतर काम, 10,000 परिवारों को दिया राशन। मुश्किल घड़ी में आगे आया राधा स्वामी सत्संग व्यास, गगरेट में दिन रात चल रहा लंगर। भरमौर संगड़ाह में आग का तांडव, दो घर जले। और अब खबरें विस्तार से। निजामुद्दीन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में चंबा जिला के लोगों के शामिल होने की सूचना मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। फिलहाल सूची में शामिल लोगों के वापस नहीं आने की बात कही जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस सूची ने जिला को टेंशन में जरूर डाल दिया है। निजामुद्दीन दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने वालों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक व्यक्ति को छोड़कर सभी चंबा जिला के ही बताए जा रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकले हैं, कार्यक्रम में शामिल 14 लोगों का ताल्लुक जिला चंबा से होने के कारण लोग सन्न हैं। लोग टेंशन में इसलिए भी हैं कि कहीं ये लोग वहां से चंबा तो नहीं लौट आए हैं। फिलहाल संतोषजनक बात यही कही जा रही है कि कार्यक्रम में शामिल हुए लोग वापस नहीं आए हैं। इस तरह की जानकारी कार्यक्रम में शामिल होने गए लोगों के पड़ोसियों ने साझा की है। फिर भी प्रशासन इसे हल्के में लेने के बजाय गंभीरता से लेते हुए 3 अलग अलग तरह की सूचियां बना रहा है। अपने ही प्रदेश में बेगाने हुए लोग आंसुओं का सैलाब लेकर बॉर्डर पर पथराई आंखों से देख रहे हैं कि आखिर कब उन्हें घर जाने दिया जाएगा। कोरोना महामारी ने ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अपने ही अपनों से बेगाने हो गए हैं। जैसे तैसे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोग अपने घर आने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो कायदे कानूनों की दीवार उन्हें बॉर्डर लांघने नहीं दे रही है। बदतर हालत में बच्चे देख रहे हैं कि उस पार हमारा घर है, लेकिन उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। डर ये है कि यदि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो फिर जांच के बाद न जाने किस होम क्वारंटीन सेंटर में उन्हें 14 दिन रहना पड़ेगा। ऐसा ही मामला मंगलवार को डमटाल में मोहटली रैंप बॉर्डर पर पेश आया। जानकारी के अनुसार पानीपत और दिल्ली से 26 लोगों को लेकर जब एक बोलेरो जीप यहां पहुंची तो मोहटली रैंप बॉर्डर पर तैनात टीम ने उन्हें रोक लिया। सभी लोगों को मोहटली के सरकारी स्कूल में बनाए आइसोलेशन केंद्र भेज दिया गया। अब ये 14 दिन तक यहीं रहेंगे। मेडिकल जांच होने के बाद इन्हें घर भेजा जाएगा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से कितने दिनों से आप चले हुए वहाँ? 5 दिन हो गए। तो पैदल चले हुए वहाँ से? खाना खुना रास्ते में मिला कि नहीं मिला? हैं, कभी कभी मिला आपको? तो पैदल वहाँ से आए आप? गाड़ी भी मिली रास्ते में कोई? कोई मिल गया, ट्रक में 10 मिनट बढ़ा लेता ट्रक में, बस फिर छोड़ देता था। तो वहाँ पे मालकों ने आपको खाने वाने की दिया कुछ? नहीं सर, जो भाग गए निकले हुए थे उधर भाग गए, ग्राउंड बंद करके भाग गए। उनको फोन करते थे, कॉल नहीं उठाते थे सर। अभी कितने आदमी ये गाड़ी में बैठे हैं? 25 आदमी। तो आप पूरे के पूरे जम्मू के रहने वाले? बिलासपुर में कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस कर्मियों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। जानकारी के अनुसार युवक बीमार भतीजी को उसके ननिहाल से लाने के लिए घर से गया था। कॉलेज चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों ने कार को रोककर बिना कुछ पूछे लाठियां भांजना शुरू कर दिया। पुलिस की लाठी ऐसी बरसी कि युवक की छाती की हड्डी तक बाहर निकल आई तो पैर में फ्रैक्चर आ गया। इसके अलावा पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म है। युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि बिना सच्चाई जाने उसके बेटे पर पुलिस कर्मियों ने हमला कर उसे घायल कर दिया है। उन्होंने बताया कि युवक का मेडिकल करवाने के बजाय उसे डरा धमका कर घर भेज दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक से इस घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच करवाकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
वहीं इस मसले पर एएसपी अमित शर्मा का कहना है कि युवक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह नाका तोड़कर भागने लगा, जिसके चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। यदि मेडिकल में मारपीट किए जाने की रिपोर्ट आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर एएसपी की बात सच भी है तो भी पुलिस द्वारा की गई पिटाई खाकी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह ही लगाती है। जब मैं कॉलेज चौक पहुंचाने बिना पूछे मेरी इतनी पिटाई बेरहमी से की गई, मेरे से चला नहीं गया और इन्होंने मेरा मेडिकल तक नहीं करवाया। इन्होंने बोला कि ये नशे में था, अगर मैं नशे में था तो ये मेरा मेडिकल करवाते उस दिन। इन्होंने क्यों नहीं करवाया उस दिन मेरा मेडिकल, सुबह की बात थी, और इन्होंने अगले दिन मेरा एक्सरे करवाया, वो भी बाजू का करवाया, चेस्ट का नहीं करवाया, हड्डी मेरी बाहर आ गई है। और मैं अपनी भाभी जी को लाने गया था, बिना पूछे मेरी पिटाई की गई है, पुलिस वालों ने बिना पूछे मेरी पिटाई की गई है। मैं एसपी महोदय से भी निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जयराम जी से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस बात की। वहाँ अगर मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी जाँच की जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो पुलिस वालों ने अत्याचार किया मेरी बेटी के ऊपर, उसकी उच्च स्तरीय से जाँच होनी चाहिए। एसपी साहब उसकी जांच करे, मुख्यमंत्री साहब उसकी जांच करे, पुलिस महानिदेशक उसकी जांच करे, और जांच निष्पक्ष। मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चे को गलत पीटा गया और उसका चलना बिल्कुल नासिक हो चुका है। इसमें सर पुलिस वालों ने इतना बेटा उनको जानता है पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने इतना मारा उसको, मोबाइल इस बच्चे के दो मोबाइल ले गए चुके हैं सर, दो मोबाइल हैं। मैंने इनको अर्ज की कि मेरे मोबाइल दे दो, इन्होंने सर देने से इनकार किया, उसका स्विच ऑफ कर लिया गया सर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पद्धर के SDM शिव मोहन सिंह सैनी ने एक नई पहल की है। उन्होंने डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए PPE गाउन उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय दर्जियों की सहायता से PPE गाउन बनाने का काम ग्राम पंचायत डलाह के सामुदायिक भवन में शुरू कर दिया है, ताकि चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि भविष्य में पूरे जिला के लिए इस स्थान को PPE गाउन की आपूर्ति का केंद्र भी बनाया जा सकता है। वहीं दूसरे चरण में प्रवासी मजदूरों को राशन पहुंचा दिया है। पद्धर उपमंडल प्रशासन ने जो है स्थानीय हमारे दर्जियों की मदद से जो है PPE गाउन्स का जो निर्माण है वो पद्धर सामुदायिक भवन को में शुरू किया है, और हम भविष्य में आशा करते हैं कि इस आने वाले समय में हम पूरे जिला की जो गाउन्स की जरूरत है वो यहां से पूरी कर सकेंगे। देश भर में जहां लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके विपरीत जिला चंबा के साहू में लोग अभी भी कोरोना वायरस के प्रति शायद जागरूक नहीं है। इसका ताजा उदाहरण मंगलवार को PHC साहू में देखने को मिला, जब लोग एक साथ स्वास्थ्य केंद्र में उमड़ पड़े। हालांकि कईयों ने मास्क भी लगा रखे थे, लेकिन भीड़ होने के चलते सोशल डिस्टेंस कहीं भी नहीं दिखाई दिया। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को जागरूक करते रहे, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। CHC साहो के डॉक्टर अंशुल ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लोगों को हर स्थान पर सोशल डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें, लेकिन फिर भी लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। CHC साहो में भी कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जो बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से भी पहुंच रहे हैं, उनको प्रॉपर उनको घर में रखा गया है, उनको होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं, उनकी रोज के रोज हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, उनके पास जाके उनकी जांचें कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत उन्हें चंबा अस्पताल के लिए रेफर भी किया जा रहा है। बाकी लोगों से फिलहाल यही आग्रह है कि अभी तक अपने घरों में बैठे रहें, एक दो हफ्ते की बात है, जब थोड़ा माहौल थोड़ा सामान्य हो जाएगा तो वापस अस्पताल पूरी तरह से हम चलाएंगे। फिलहाल हमने कोशिश की है कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जिला ऊना में पड़ोसी राज्यों से प्रवेश कर करीब 1000 लोगों को प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जिनमें बच्चे, महिलाएं व पुरुष शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन में रखे गए लोगों को जहां रहने खाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा रोजाना इनके स्वास्थ्य की जाँच भी की जा रही है। वहीं रोज कमाकर पेट पालने वाले लोगों को भोजन की कोई दिक्कत पेश न आए, इसलिए प्रशासन द्वारा प्रवासियों और स्थानीय गरीबों को घर द्वार पर ही निशुल्क राशन की सप्लाई की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा अब तक ऊना, हरोली और बंगाणा उपमंडलों में करीब 10,000 गरीब परिवारों तक राशन पहुंचा दिया गया है, जबकि राशन से वंचित रहे गरीब परिवारों तक भी प्रशासन द्वारा पहुंच बनाई जा रही है। जिला में गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने के लिए पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा राशन, दवाई, सब्जियों और अन्य जरूरी चीज़ों की होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, 2 दिन हो गए हैं जब से हमारे बॉर्डर जो हैं सील हो गए हैं, और जो भी बाहर के आने वाले लोग हैं या फिर जो हिमाचल से बाहर जाने वाले हैं तो उन्हें हमें क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो करीब करीब हमारे पास कैपेसिटी जो है ज़िले में 1500 से 2000 की करंट कैपेसिटी है हमारी, और हम 800 से 1000 के बीच में अभी तक जो हैं अलग अलग बैरियर्स के पास जो हमने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं। अभी खाने पीने की व्यवस्था और जो बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह हैं वो उनकी वहाँ पर पूरी करी जा रही हैं। दूसरा, राशन का जो वितरण है हमारा DRDA के माध्यम से किया जा रहा है, जो हमारी पंचायती राज विभाग और DRDA की जो मशीनरी है इस काम में लगी हुई है। करीब करीब ब्लॉक वाइज आप चिंतपूर्णी और का ब्लॉक छोड़ दें तो हमारे पास करीब करीब 10,000 बैग्स ऑफ राशन, जिसके अंदर हम 5 किलो आटा, 5 किलो दाल और चीनी और छोटे मोटे मसाले और 3 किलो दाल का हम जो पैक, एक स्टैंडर्डाइज पैक हमने यहाँ पर बनाया था, वो करीबन 10,000 परिवारों में अब तक वितरित किया जा चुका है। कोरोना वायरस के संकट के बीच राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों द्वारा प्रधानमंत्री को डेरा ब्यास की तरफ से हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाने की अपील के बाद गगरेट उपमंडल में प्रशासन को हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राधा स्वामी सत्संग ब्यास के गगरेट स्थित सत्संग घर ने गरीब व जरूरतमंद लोगों तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। आपदा के इस दौर में गगरेट स्थित डेरे के द्वार जरूरतमंदों के लिए हर समय खुले रखे जा रहे हैं, तो वहीं डेरे के सेवादार दिन रात खाना व अन्य जरूरी वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। डेरे में सैकड़ों लोगों के लिए भोजन बनाकर लोगों में बांटा जा रहा है, तो वहीं गगरेट उपमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डेरों में भी सेवादारों द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। मंगलवार को चंबा और जिला सिरमौर में 2 अलग अग्निकांड की घटनाओं ने 2 परिवारों को बेघर कर दिया। जानकारी के अनुसार जिला चंबा के हड़सर में आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग साथ लगते घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दूसरी घटना जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के धमास में पेश आई है। बताया जा रहा है एकाएक लगी आग ने पलभर में एक घर को राख के ढेर में बदल दिया। अचानक लगी आग से परिवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला और अंदर रखा अनाज सहित सारा सामान जल गया। राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक करीब 90,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तहसीलदार संगड़ा आत्माराम नेगी ने कहा कि इस बारे SDM को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। बहरहाल लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में घर में आग लगने के चलते परिवार संकट में है।